एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उन सब मेंढकों का मुखिया बहुत ही सज्जन था, लेकिन उन मेंढकों में चमकू मेंढक बहुत चालाक था। वह मुखिया मेंढक से बहुत जलता था। वह मुखिया मेंढक को मारकर स्वयं मुखिया बनना चाहता था। चमकू मेंढक मुखिया को अपनी ताकत से नहीं मार सकता था। मुखिया से सभी मेंढक बहुत प्यार करते थे। एक दिन चमकू मेंढक घूमता हुआ पास के एक जंगल में चला गया। तभी एक सांप उस पर झपटा। सांप को देखकर चमकू घबरा गया, लेकिन तभी वहां से संभलकर बोला, अरे भाई मुझे क्यों मार कर खाते हो? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें सैकड़ों मेंढक खाने को मिल सकते हैं। चमकू की बात सुनकर सांप को लालच आ गया। सांप चमकू के साथ तालाब के पास पहुँचा। चमकू ने सांप से कहा, देखो इस तालाब में सैकड़ों मेंढक रहते हैं, मैं तुम्हारे लिए रोज एक मेंढक को अपने साथ लेकर आऊँगा, तुम उसे मार कर खा जाना। सांप ने चमकू की बात मान ली। सांप वहाँ एक पेड़ के नीचे बिल में छुप कर बैठ गया। चमकू अगले दिन सुबह एक मेंढक को साथ लेकर वहाँ आया। तभी सांप ने झपट कर उसे पकड़ लिया और पलक झपकते ही निकल गया। अगले दिन फिर एक दूसरे मेंढक को साथ लेकर आया और सांप उसे भी निगल गया। एक एक करके चमकू ने आधे से अधिक मेंढक को सांप को शिकार बनवा दिया। एक दिन जब सारे मेंढक समाप्त हो गए तो चमकू ने मुखिया मेंढक को भी सांप का शिकार बनवा दिया। जब सारे मेंढक समाप्त हो गए तो सांप चमकू के बेटे को निगल गया। अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी हुआ, लेकिन उस भयंकर सांप के सामने वह कर भी क्या सकता था। एक दिन सांप ने चमकू को ही पकड़ लिया। चमकू ने सांप से कहा, मैंने तुम्हें इतने मेंढकों का शिकार करवाया, अब तुम मुझे ही खाना चाहते हो? यह तो गलत बात है। सांप बोला, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अब तो तुम्हें ही खाकर पेट भरना होगा। चमकू अपने फैलाए जाल में फंस चुका था, अब वह मरता या क्या करता। सांप उसे भी निगल गया। किसी ने सच ही कहा है कि जो व्यक्ति अपने लोगों को धोखा देता है, एक दिन उसके साथ भी धोखा होता है। चमकू अपने परिवार के साथियों को समाप्त करवा देने के बावजूद खुद भी ना बच सका और उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा।